चुनाव के पूर्व सांवेर विधानसभा से क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट ने बीते दिन मवाला खीड़ी, मीरखेड़ी, कटकिया, सोल सिंधा, ब्राह्मण खेड़ी, बालोदा, राजोदा, सिलोदा, बुजुर्ग, बारामिल, शहाना, धर्मपुरी व प्रेमनगर पहुंचे और जनसंपर्क किया, जहां मीरखेड़ी में सरपंच नरेंद्र सिंह पवार ने पूर्व मंत्री का स्वागत किया। वहीं ग्राम सोल सिंधा में लोकेंद्र सिंह पवार के नेतृत्व में सिलावट को केले यानी फल से तोला गया। इस दौरान सोल सिंधा व मीरखेड़ी में नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। इस दौरान कमल सिंह सोलंकी, लोकेंद्र सिंह पवार, राजेंद्र सिंह कच्छावा, गोलू पांचाल, अरुण सिंह कुशवाहा, ललित वर्मा, दिलीप कच्छावा आदि लोग मौजूद रहे। इसी तरह अखिलेश पटेल के नेतृत्व में ब्राह्मण खेड़ी में प्रत्याशी सिलावट को केले से तोला गया। धर्मपुरी में शक्ति गांधी मित्र मंडल, विनोद चंदानी, अजय चौहान सहित कई जगहों पर जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान सभी ने भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। अब क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, आप अल्पसंख्यक नेता भी हैं? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तुलसी भैया के साथ है, पूरा जोश और खरोश के साथ काम पे लगा हुआ है। एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता तुलसी भैया के कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है। और रहे सवाल अल्पसंख्यक मोर्चे का, तो मोर्चा भी पूरी तरह से सक्रिय है और अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभा रहा है। कल भी हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो कि कर्नाटका से आई थी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की मुन्नवरी बेगम जी, उनका जनसंपर्क करवाया, मुस्लिम बस्तियों में गए, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा हम लोगों को। तोमर जी की आम सभा होने को है जी, क्या कहेंगे आम सभा को लेकर? तोमर जी हमारे राष्ट्रीय नेता है और उनका हमारे क्षेत्र में सभा लेना हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े नेता हमारे बीच में रहेंगे और हमारे मार्गदर्शन करेंगे। और निश्चित तौर पे उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक मतों से जीतेगी। करीब हमारा आंकड़ा कहीं ना कहीं 25 से 30 हज़ार वोटों का रहेगा जीत का आंकड़ा। आपका परिचय? मेरा नाम हैदर पटेल है, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। आज जनसंपर्क चल रहा है आपके क्षेत्र में प्रत्याशी का, क्या कहेंगे आप सबसे पहले इस चुनाव को? सबके पहले तो ये कहेंगे शिवराज मामा को पूरी ग्रामीण क्षेत्र वोट दे दिया है और तुलसी भैया का भी ऐसा जीवन भर से व्यवहार रखा कि लाख वो पहले कांग्रेस में थे मगर विरोधाभास नहीं रखा उनने, हर आदमी से उनका मेलजोल रहा। और मामा ने इतना काम करा, हमारे गेहूँ सड़ जाते, हर किसान का गेहूँ मामा ने तुलवाया। भारतीय जनता पार्टी ने लॉकडाउन में गरीबों को फ्री में गेहूँ दिए, हर एक व्यक्ति का ध्यान रखा, नहीं तो कोरोना में करीब करीब 50% जनता हो जाती। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम कटकिया में ऐतिहासिक पुलिया दी ताकि इस क्षेत्र में कहीं पे भी पुलिया नहीं है। ग्राम कटकिया के अंदर जो भी विकास है पूरा भारतीय जनता पार्टी ने करा और शिवराज मामा से अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, वो तो मामा ही है और उन्हीं को वोट दे रहे हैं और भारी बहुमत से तुलसीराम जी सिलावट चुनाव जीत रहे हैं। आपका परिचय? धन सिंह दरबार बगाना, पूर्व जिलों से आज तोला गया आपको और तमाम दर्शक। ये 35 वर्षों की सेवाओं का प्रतिफल है, इनका प्रेम, आपका स्नेह, आपका आशीष, ये उसका नतीजा है। ये यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, ज्योतिराज सिंधिया जी का चुनाव हो रहा है, मोदी जी के विश्वास और संकल्प का चुनाव है, यहाँ सांवेर के विकास और प्रगति का चुनाव है। ये पंछी का चुनाव नहीं है जो कांग्रेस धरातल में चले उसका चुनाव, ये कमल के फूल का चुनाव है।